लागुना सिटी के अंदर और बहुत ही ज्यादा शानदार चल समारोह और ये प्रताप छात्रावास से होते हुए पूरे गुना का भ्रमण करते हुए प्रताप छात्रावास में समाप्त होगा। ये देख सकते हैं गुना के निवासी बहुत ज्यादा चल समारोह में भाग लेते हुए स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता बहुत ज्यादा तादाद में यहाँ ये देखिए फूलों की वर्षा हो रही है। पथ संचलन निकला है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और सबको विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं बधाइयां बहुत बहुत आप सबको गुनावासियों को जिलावासियों को सबके लिए जो है मतलब ना ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ऐसा हमारा संघ है जो है ना देश की सेवा राष्ट्र की सेवा हर प्रकार से जो है मतलब ना सेवा के लिए जो है ना स्वतंत्र में खड़ा रहता है। बहुत ज्यादा धन्यवाद कहूंगा ये देख लीजिए बहुत ही शानदार इनका एक बैंड होता है और इसकी तैयारियां करते हुए ये युवा और बहुत ही शानदार ये बजता है। मैं आज आपको पूरा वीडियो बताने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को जरूर देखिएगा और लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा विद्या सुरेंद्र ब्लॉग को। आज एक चल समारोह का व्यू आपको देने वाला हूँ। नगर वासियों को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी स्वयं सेवक आज यहाँ पथ संचलन में भाग लेने आए हैं। सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा आदरणीय सर महेंद्र सिंह किरार जी का। पूजा इधर होना ये सामने देखना पूजा इधर देखना ये होता है विजयदशमी। सकते हैं बहुत ज्यादा तादाद में यहाँ पर आरएसएस के कार्यकर्ता एकत्रित होते हुए। कारण है विजयदशमी का पर्व है और हर साल बहुत ही ज्यादा शानदार एक चल समारोह यहाँ से गुना सिटी के अंदर निकाला जाता है। ये देखिए बहुत ही ज्यादा मतलब कह सकते हैं सम्मानीय कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित होते हुए। ये देखिए जानी मानी हस्ती मैं कह सकता हूँ बहुत ही ज्यादा नाम है इनका और सभी लोग गुना के निवासी इस पर्व को बहुत ज्यादा मनाते हैं। यही देते हैं सर जी क्या कहेंगे चल समारोह निकलने वाला है। ये देख लीजिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के द्वारा यहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम हर वर्ष किया जाता है। ये छात्रावास के नाम से जाना जाता है। आधे घंटे बाद यहाँ पर बहुत ज्यादा संघ के कार्यकर्ता एकत्रित होने वाले हैं बहुत ज्यादा तादाद में और बहुत ही सुंदर चल समारोह निकलने वाला है। सर जी कितने बार देर बाद आने वाले हैं? साढ़े तीन पर आने वाले हैं। और कुछ कितनी देर का यहाँ कार्यक्रम रखा गया है? यहाँ आधा घंटे का कार्यक्रम है। इसके अलावा मार्केट में कहाँ कहाँ से निकलेगा ये चल समारोह? ये शिवाजी नगर में से सदर बाजार पहुँचेगा, सदर बाजार लक्ष्मीगंज गुरुद्वारा के सामने से जयस्तम चौराहे हनुमान चौराहे और जगदीश कॉलोनी शांति विद्या मंदिर से होते हुए दोबारा यही समापन हो जाएगा। करीब करीब शाम हो जाएगी रात हो जाएगी? एक घंटे का लगभग का कार्यक्रम रहेगा ये पूरा संचालन का। अच्छा अच्छा चल समारोह का ये देख लीजिए करीब तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ तैयारियां चलती हुई यहाँ पे आरएसएस का एक बहुत ही ज्यादा शानदार चल समारोह निकलने वाला है। और कारण है आज विजयदशमी है और विजयदशमी के दिन यहाँ पर आरएसएस द्वारा एक चल समारोह निकलता है। और ये देखिए यहाँ पर तैयारियां चलती हुई ये देख सकते हैं ये छात्रावास सभी को कवर करूंगा मैं। ओहो नमस्कार नमस्कार देख लीजिए दोस्तों ले आया हूँ मैं आपको छात्रावास के अंदर और यहाँ लाने का कारण है आज विजयदशमी है और यहाँ पर हर साल की भांति आरएसएस के द्वारा एक बहुत ही शानदार चल समारोह निकाला जाता है। ये देख सकते हैं आप बहुत ज्यादा तादाद में युवा बच्चे बड़े बूढ़े सभी आरएसएस का हिस्सा बनते हुए एक शानदार वीडियो देने के लिए यहाँ छात्रावास में आया हुआ हूँ। देखिएगा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कीजिएगा विद्युत सुरेन ब्लॉग को और एक सुंदर वीडियो आज आपको देने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए काफी ज्यादा तादाद में आरएसएस के कार्यकर्ता एकत्रित होते हुए देख सकते हैं बहुत ज्यादा तैयारियां करते हुए आरएसएस के कार्यकर्ता स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता और यहां पर एक जल समारोह निकलने वाला है। कारण है आज विजय दशमी है और विजय दशमी के दिन हर साल यहां पर बहुत ही शानदार एक जल समारोह निकलता है गुना सिटी के अंदर। ये देख सकते हैं एक सुंदर वीडियो देने के लिए आपको यहाँ आया हूँ। बने रहिएगा वीडियो में और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा और आपको बहुत ही सुंदर एक वीडियो देने वाला हूँ इस चल समारोह की। ये पूरे गुना में भ्रमण करेगा। ये देखिए बहुत ज्यादा तादाद में यहाँ पर स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता एकत्रित होते हुए और ये देखिए बहुत ही सुंदर ड्रेस के अंदर बहुत ही ज्यादा एक सुंदर वीडियो देने आया हूँ। बने रहिएगा वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री राम। ये देखिए मतलब कह सकते हैं युवा बच्चे बड़े सभी इस संघ का हिस्सा बनते हुए। कारण है एक बहुत ही ज्यादा बड़ा ये कार्यक्रम होता है गुना सिटी के अंदर विजय दशमी के दिन। जय श्री राम। सर क्या हो रहा है? पंजीयन हो रहा है जो नए कार्यकर्ता होते हैं उनका। ये देख सकते हैं नए कार्यकर्ता जुड़ते हुए। कारण है बहुत ही ज्यादा विशाल ये संघ का कार्यक्रम है और बहुत ही ज्यादा मतलब कह सकते हैं तारीफ करना। ये देख लीजिए एक सुंदर वीडियो देने के लिए यहाँ आया हुआ हूँ। ये प्रताप छात्रावास के नाम से जाना जाता है और ये कार्यक्रम बहुत ही ज्यादा भव्य होता है गुना सिटी के अंदर। ये आदरणीय सर जी मिल गए हैं और बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं सर जी आज आरएसएस की ड्रेस में। बहुत ज्यादा गर्व की बात होती है। महेंद्र सिंह किरार जी आरएसएस का हिस्सा है। कारण है काफी गुना के निवासी स्वयं सेवक संघ का हिस्सा है। ये देख लीजिए सर जी कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। विजय दशमी की शुभकामनाएं आपके लिए। नगर वासियों को विजय दशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी स्वयंसेवक आज यहाँ पर संचलन में भाग लेने आए हैं। सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा आदरणीय सर महेंद्र सिंह किरार जी का। और देखिए गुना के निवासी बहुत ज्यादा गणवेश में यहाँ पर तैयार होते हुए। कारण है ये बहुत ही ज्यादा शानदार कार्यक्रम होता है गुना सिटी के अंदर। ये देख लीजिए जगह जगह आपको मिल जाएंगे स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता और बहुत ही ज्यादा शानदार एक चल समारोह गुना सिटी के अंदर निकलने वाला है। बने रहिएगा वीडियो में। लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा विद्या सुरेंद्र ब्लॉग को। एक सुंदर वीडियो देने के लिए यहाँ प्रताप छात्रावास में आया हुआ हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। वीडियो को कवर करता हूं जो आपने नहीं देखे होंगे ऐसे स्थान में दिखाने की कोशिश करता हूं। कर दीजिए बहुत ज्यादा धन्यवाद कहूंगा आपके लिए। आगे चलते हैं। पैंट शर्ट डाल कौन घुमा कर रहे हैं।
ऐसा समझ में आया था और क्या। हाँ अरे भैया हेलो 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 एक सेकंड रुक जाइए। वो सम्मानीय व्यक्ति को लेना चाहता हूँ जो काफी लंबे समय से इस संगठन से जुड़े हुए हैं। हाँ हाँ ये भी आ जाइए। देख लीजिए मतलब कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा सम्मानीय आरएसएस संघ से जुड़े हुए हैं काफी लंबे समय से। बहुत पुराने कितने लंबे समय से जुड़े हुए हैं? पचास साल से अपना जीवन देते हुए आरएसएस के लिए। कारण है बहुत ही ज्यादा अच्छा संगठन है ये देख लीजिए। देख लीजिए बहुत ही शानदार इनका एक बैंड होता है और इसकी तैयारियां करते हुए ये युवा और बहुत ही शानदार ये बजता है। मैं आज आपको पूरा वीडियो बताने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को जरूर देखिएगा और लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा विद्या सुरेंद्र ब्लॉग को। आज एक चल समारोह का व्यू आपको देने वाला हूँ। ये बहुत ज्यादा सम्मानीय लोग यहाँ पर आरएसएस के कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं और बहुत ही ज्यादा गर्व की बात है आज विजयदशमी का पर्व मनाते हुए बहुत ही ज्यादा सुंदर एक चल समारोह गुना सिटी के अंदर निकलने वाला है। बने रहिएगा वीडियो में लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा विद्या सुरेंद्र ब्लॉग को। एक सुंदर वीडियो आपको देने वाला हूँ मैं आज। बहुत सुंदर वीडियो ये देख सकते हैं गुना की जानी मानी हस्ती आरएसएस का हिस्सा है। कारण है बहुत ही ज्यादा बड़ा संगठन है ये। अभी एक गाय बाय देगी ठीक करिए बिना बातचीत किए दक्षिणा मुर्गा अभी भी देगी हमने बातचीत की अपना अपना समय सभी ठीक करिए दक्षिणा। ये देख सकते हैं ये वो गेट है यहीं से ये आरएसएस का एक चल समारोह निकलने वाला है और यहाँ पर कार्यकर्ता बहुत ही ज्यादा तादाद में मतलब कह सकते हैं स्वागत वंदन करते हुए ये देखिए स्वागतम लिखा हुआ है और बहुत ज्यादा यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। ये देखिए तिलक लगाते हुए माथे पर कारण है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा विजयदशमी के दिन एक सुंदर चल समारोह निकलता है। दो, तीन,
नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमये सुखं वर्धितोऽहम्। महामङ्गले पुण्यभूमये त्वदर्ते, पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते, प्रभो शक्तिमन हिंदुराष्ट्रांग भूता। श्रोतंजय वैद्यकंठता तीर्णमारम् स्वयं शीघ्रतरणा सुरं तारे समुद्रश्रेयसस्तेकमुग्रम् परं साधनन्नाम वीरोवृतम् स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं जी आरएसएस के जुलूस का जी। और ज्यादा धन्यवाद कहूँगा आप जैसे युवाओं के कारण इस तरह के कार्यक्रम बहुत ज्यादा संपन्न होते हैं। बहुत बहुत थैंक यू आपके लिए। धन्यवाद सर आपका भी कि आप यहाँ पे इन सब का रिकॉर्ड करके हमारी जो सभ्यता है सबको बताना चाहते हैं लोगों को। ये प्रेरणा मेरी मम्मी के द्वारा मिली है, अभी वो भी आ रही है लेके अपने स्वयं से, वो हमारे जो स्वयं सेवक है उनका प्रोत्साहन करने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। तो आप सभी का धन्यवाद कि आप भी उपस्थित हुए। बहुत ज्यादा धन्यवाद कहूंगा आप जैसे युवा की सोच देश बदल सकती है। बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा कहूंगा आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। देख लीजिए आरएसएस के जुलूस का स्वागत करने के लिए स्वयं भारत माता यहाँ पर खड़ी हुई हैं। देखिए जो जिस रूप में ढल जाते हैं व्यक्ति वैसा ही बन जाता है। बहुत ज्यादा धन्यवाद कहूँगा आज आप स्वागत कर रही हैं आरएसएस के जुलूस का। जी हाँ, मैं आरएसएस के जुलूस का स्वागत कर रही हूँ। भारत माता उनका कुछ स्वागत करेगी जो हमारे देश के लिए रक्षा कर रहे हैं, हमारे राष्ट्र के लिए रक्षा कर रहे हैं, उन सबका स्वागत करें। आज विजयदशमी की बहुत ज्यादा शुभकामनाएं आपके लिए। आप सभी को भी विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ज्यादा धन्यवाद कहूंगा। ये देखिए मतलब कह सकते हैं बहुत ज्यादा टैलेंट है इनके अंदर। एक तो बहुत ही ज्यादा सुंदर भजन गाते हैं और इसके अलावा जब भी कोई कार्यक्रम होता है हमेशा हिस्सा लेती हैं। बहुत ज्यादा गर्व है ऐसी छोटी छोटी कन्याओं पर जो इस तरह के कार्य करती हैं। गर्व है इनकी मम्मी पर जो इस तरह के कार्य को संपन्न करवाती हैं। ये देखिए बहुत ही ज्यादा सुंदर आपको दृश्य दिखा रहा हूँ। वीडियो में बने रहिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा विद्या सुरेंद्र ब्लॉग को। आज आपको सुंदर एक चल समारोह जो कि आरएसएस के संगठन स्वयं सेवक संघ के द्वारा निकाला जाता है गुना सिटी के अंदर। लो पूजा इधर हो ना, ये सामने देखना, पूजा इधर देखना। ये होता है विजय तिलक। टोपी कारण ठीक है। आज मंत्री जी संजू सिसोदिया का यहाँ पर आगमन हुआ है और यहाँ पर स्वागत किया गया है उनको। आरएसएस के द्वारा तिलक लगाया गया है। आज ये कार्यक्रम होने वाला है, बने रहिएगा वीडियो में देख लीजिए। ये आपको छात्रावास का दृश्य दिखा रहा हूँ मैं। आरएसएस का जुलूस आने वाला है और गुना सिटी के अंदर जगह जगह उनका फूलों से स्वागत किया जा रहा है। सर जी स्वागत कर रहे हैं आरएसएस के जुलूस का। आज विजयदशमी की बहुत ज्यादा शुभकामनाएं और ये चल समारोह निकलता हुआ यहाँ पे आरएसएस का बहुत ही ज्यादा जगह जगह आपको ये स्वागत मिल जाएगा। ओके थैंक यू। वो चार का सम्यक बनाकर हमें संचलन में चल रहा है।
अभी यहाँ पर चार पंक्तियां तो खड़ी है, लेकिन वो चारों पंक्तियां बराबर नहीं है। चारों पंक्तियों को बराबर करना है। जिनकी दाढ़ी बनी नहीं है, अपूर्ण वाले बस ऐसा अटक रहे सर है, वो उधर जाइए। शेष आठ अग्रेसर ऐसे हैं जिनकी दाढ़ी बनी नहीं है, गणवेश में पूर्ति नहीं है, दंड भी उनका छोटा है, ऐसे दो उधर जाइए। बाकी के आठ अग्रेसर हैं। अगर बात किए शिक्षक जो बोल रहे हैं उसका तुरंत पालन करिए। नमस्कार नमस्कार।
कोई बात नहीं। देख सकते हैं आरएसएस का चल समारोह आता हुआ, ये हनुमान चौराहे के पास का दृश्य है। देख लीजिए विजय दशमी के दिन आज आरएसएस का जुलूस निकलता हुआ गुना सिटी के अंदर, और बहुत ही ज्यादा शानदार चल समारोह, और ये प्रताप छात्रावास से होते हुए पूरे गुना का भ्रमण करते हुए प्रताप छात्रावास में समाप्त होगा। ये देख सकते हैं गुना के निवासी बहुत ज्यादा इस चल समारोह में भाग लेते हुए स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता बहुत ज्यादा तादाद में यहाँ, ये देखिए फूलों की वर्षा हो रही है। बहुत ही ज्यादा सुंदर दृश्य आपको दिखाने के लिए, विजयदशमी का दिन है और विजयदशमी का पर्व मनाते हुए स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता छोटे बड़े बच्चे बड़े मतलब सभी लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हुए। देख सकते हैं बहुत ज्यादा लंबा चल समारोह ये आरएसएस का, और बहुत ही ज्यादा सुंदर है दृश्य आज विजयदशमी के दिन आपको दिखा रहा हूँ। वीडियो को देखिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा विद्या सुरेंद्र ब्लॉग को। और ये देख सकते हैं स्वयं सेवक संघ के द्वारा एक विजयदशमी का पर्व मनाते हुए ये युवा बड़े बच्चे सभी लोग इसमें सम्मिलित हैं। बहुत ज्यादा तेज कदम ताल मिलाते हुए करीब एक घंटे में ही ये चल समारोह अपने मुकाम पर पहुंचता हुआ, बहुत ही ज्यादा एक सुंदर विजयदशमी के दिन ये पर्व निकलता है हर वर्ष की तरह। देखिए बहुत ही सुंदर एक विजयदशमी के पर्व को मनाते हुए स्वयं सेवक संघ के युवा बच्चे, ये देखिए देश का भविष्य और आरएसएस के कार्यकर्ता के रूप में देश का भविष्य, ये देख लीजिए बहुत ही ज्यादा सुंदर एक चल समारोह। देखिए फूलों की वर्षा करते हुए, कारण है आज विजयदशमी का पर्व है और बहुत ही ज्यादा गुना के नागरिक बहुत ज्यादा सम्माननीय लोगों का, ये देखिए फूलों की वर्षा करते हुए कारण है, बहुत ही बड़ा पर्व है आज। अरे इनको इंटरव्यू तो ले भाई साहब।